हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। जिस दिन की शुरुआत से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, या तो गुड मॉर्निंग हो सकता है, शाम को देख रहे हैं गुड इवनिंग हो सकता है, गुड नाइट हो सकता है, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हारमोन्स के बारे में। इससे पहले आप लोग देख रहे हैं एट द रेट बफर बींग, जिसको आप लोग को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हार्मोन के बारे में, हमारे बॉडी में जितने तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। कौन से हार्मोन हमारे बॉडी में, उनका क्या रोल होता है, कैसा कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्यूटेटरी ग्लैंड से। जो प्यूटेटरी ग्लैंड हमने अपने पहले वीडियोज़ में डिस्कस किया होगा कि जो प्यूटेटरी ग्लैंड होती है वो एक ऐसी ग्लैंड होती है जिससे कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं। मेनली 14 हार्मोन निकलते हैं, जिसके हार्मोन जो होते हैं हमारी बॉडी के और भी फंक्शंस पे और कार्यों पे नियंत्रित किए रहते हैं। तो कैसे ही होता है, आइए इसमें समझते हैं। तो प्यूटेटरी ग्लैंड का जो पहला हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है वृद्धि हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में इसे GH कहते हैं, जिससे हमारी लंबाई बढ़ती है, जो हमारी हाइट बढ़ती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही हार्मोन होता है। दूसरा जो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, इसका काम क्या होता है, ये स्त्रियों में निकलता है गर्भावस्था के टाइम, एक तरीके से कह दीजिए जब प्रेगनेंसी होती है तब यह हार्मोन निकलता है स्त्रियों में। इससे क्या होता है कि जो उनके ब्रेस्ट का साइज होता है, मेमरी ग्लैंड का साइज होता है, या हिंदी में बोले तो स्तन का साइज होता है, उसको इंक्रीज करता है और उसमें दुग्ध यानी एक तरीके से मिल्क फॉर्मेशन करवाता है या दुग्ध उत्पादन करवाता है। आगे देखते हैं, अगला है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन सॉरी ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, वैसोप्रेसिन सही कर देते हैं इसको, वैसोप्रेसिन वैसोप्रेसिन इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको सिस्टोल करके, कॉन्ट्रिक्ट करके उनका जो ब्लड वेसल्स सॉरी ब्लड प्रेशर जो होता है उसको बढ़ा देता है। ये जो वैसोप्रेसिन होता है इसका एक काम होता है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। अगला देखते हैं ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन एक तरीके का हार्मोन है, ये मेनली आप समझिए कि स्त्रियों में निकलते हैं। इनका काम क्या होता है कि जब जेस्टेशन पीरियड होता है, एक तरीके से समझिए जब जेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है, गर्भावस्था पूरा हो जाता है, जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम आता है, पार्चुरेशन के टाइम क्या होता है, ये हार्मोन निकलता है। और ये क्या करता है, स्त्रियों का जो सर्विक्स रहता है, सर्विक्स कह सकते हैं आप, जो यूट्रस होता है उसके आगे का जो भाग होता है सर्विक्स, उसको एक तरीके से डायलेट करता है, चौड़ा करता है, और उससे जो बच्चे की डिलीवरी होती है एक तरीके से नॉर्मल होती है। तो ये हार्मोन का काम ये होता है। आगे देखते हैं, ये जितने भी हम लोग पढ़ रहे थे प्यूटिटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन से, आगे देखते हैं, आगे है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है कि जिसकी कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हल्का से थोड़ा सा देखेंगे इसको रोग के बारे में। आपने घेघा रोग का नाम सुना होगा, जिसका इंग्लिश में कहते हैं ग्वाइटर, तो इसकी कमी से घेघा रोग हो जाता है। और इसके मेनली दो हार्मोन होते हैं T3 एंड T4। अगले हार्मोन पे आते हैं पैराथायराइड हार्मोन। ये भी एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलती है। थायराइड हार्मोन एंड पैराथायराइड हार्मोन दोनों थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं, जिसको कंट्रोल करता है प्यूटिटरी ग्लैंड का एक हार्मोन जिसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, इस थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, जो प्यूटेटरी ग्लैंड होती है इसका कंट्रोल हमारी बॉडी पूरे बॉडी पे होता है। आगे में भी हम देखते हैं इनका कंट्रोल कैसे कैसे होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो प्यूटेटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है ACTH, शॉर्ट फॉर्म में एडेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये क्या करता है, किडनी के ऊपर आप लोग देखेंगे तो हल्का सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसका नाम होता है एड्रीनल ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड होता है। इसको क्या करता है ACTH, इससे एक हार्मोन कार्टिसोन नामक का हार्मोन होता है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड एल्डोस्टेरोन नामक का हार्मोन होता है, उसको निकलवाने के लिए प्रेरित करता है ये जो ACTH है। और इससे दो हार्मोन निकलते हैं जिनका नाम होता है एड्रीनेलिन तथा नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन। ये निकलते हैं आपके एड्रीनल ग्रंथ से। आगे देखेंगे,
अगला है अग्नाशय, बात कर रहे थे अग्नाशय के बारे में, जिसका इंग्लिश में नाम पैनक्रियाज होता है। तो ये क्या करता है, जो पैनक्रियाज होता है इससे भी कई तरीके के हार्मोन निकलते हैं, मेनली दो तरीके के हार्मोन निकलते हैं, जिसका नाम होता है इंसुलिन, ध्यान से देखेंगे इंसुलिन तथा ग्लूकेगन। इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम होता है कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन एक तरीके का पदार्थ है जो हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, जरूरत पड़ने पे ये फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकेगन क्या करता है, ये इंसुलिन का उल्टा काम करता है कि जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन को क्या करता है, फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इन दोनों का काम होता है। और जो इंसुलिन होता है मेनली यहाँ से अग्नाशय से निकलता है। आगे देखेंगे आप कि जो यहाँ पे ये तो हो गया, आगे देखेंगे फिर यहाँ पे देखेंगे ओबरी, जो अंडाशय होता है ये फीमेल्स में पाया जाता है स्त्री में। तो इससे दो तरीके के हार्मोन निकलते हैं जिसको कंट्रोल करता है प्यूटेटरी ग्लैंड का LH हार्मोन। LH का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों को कंट्रोल करता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आगे देखेंगे फिर जो प्यूटेटरी ग्लैंड का अगला हार्मोन है जिसका नाम है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्त्री पुरुष दोनों में पाया जाता है। ये क्या करता है कि टेस्टिस में एक तरीके से कहते थे शुक्राणु जनन नलिकाओं या सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स या फिर शुक्राणु जनन इंग्लिश में स्पर्म फॉर्मेशन को एक तरीके से स्टिमुलेट करता है ये जो FSH है। और इससे हार्मोन इसको कंट्रोल करता है और ये भाग कहलाता हमारा टेस्टिस, हिंदी में वृषण, मेल में होता है। और इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। चलिए एक बार से देख लेते हैं, कोई और हार्मोन तो हमारा छूट तो नहीं रहा है। जहाँ तक हमने सारा हार्मोन कवर कर लिया है, इसमें से और बचने के लिए कोई नहीं है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, सर हमें इस चीज़ के लिए डाउट है, इस चीज़ में हमें डिस्क्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।